मेरी प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं राम केवल सर आप लोगों को कक्षा 12वीं का इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें है पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। इसकी दो वीडियो पहले बन चुकी है, आज ये तीसरी वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए देखते हैं, टेक्स्ट देखेंगे। द टेक्स्ट, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ये स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। इसमें जो है राइटर अल्फोंस डाउडेट जी ने, जो एक फ्रेंच नोबलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ये फ्रांको प्रूसिया वार जब 1870 और 71 के बीच हुआ था तो उन दिनों में इस चैप्टर को लिखा गया था, द लास्ट लेसन सेट किया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो फ्रांस की सेना थी वो प्रूसिया की सेना के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में, जो जर्मनी का निवासी था और प्रूसिया का प्राइम मिनिस्टर था, हरा दिया गया था। तो उन दिनों में जो शिक्षा की क्या स्थिति थी एलेसेक और लोरेन में, उसके बारे में यहाँ डिस्कस की गई है। तो राइटर कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। एक दिन सुबह लेखक स्कूल के लिए बहुत लेट से गया। स्टार्टेड मतलब गया, प्रारंभ किया बहुत लेट से। एंड वाज इन ग्रेट डेयर, और वो डेयर मीन्स होता है डर ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे बहुत ज़्यादा डर था डांटे जाने का। स्पेशली मतलब विशेष रूप से बहुत ज़्यादा डर था उसे डांटे जाने का, बिकॉज क्योंकि यम हैमल हैड सेड, यम हैमल ये टीचर हैं, इन्होंने कहा था ही वुड क्वेश्चन अस, वह प्रश्न पूछेंगे मुझसे, किससे, राइटर से, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इसका प्रथम शब्द भी नहीं जानता था, इसका शुरुआती ज्ञान भी हमको नहीं था। आगे देखते हैं, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण भर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, राइटर कह रहा है कि मैंने एक क्षण के लिए सोचा कि आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर मीन्स होता है घर के बाहर, और मैं अपना समय घर के बाहर व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत गर्मी थी और चमकीला प्रकाश भी बाहर खिला हुआ था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग मीन्स होता है चहचहाना, पक्षियाँ चहचहा रही थी एट द एडज ऑफ द वुड्स। वुड्स मीन्स यहाँ होता है जंगल, जंगल के किनारे पक्षियाँ क्या कर रही थी, वुड्स जंगल लकड़ी या वन ये किनारे चहचहा रही थी। चिरपिंग मीन्स होता है पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ बैक ऑफ द सॉमिल, ओपन फील्ड मतलब खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल मीन्स होता है आरा मशीन, जो लकड़ी चिराई करती है, जो आरा मशीन थी उसके पीछे जो खुला हुआ स्थान था। द प्रुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रुशियन मीन्स होता है प्रुशिया के, सोल्जर्स मीन्स सिपाही, वर मीन्स थे, और ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास करना, युद्ध के लिए अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो राइटर कह रहा है टेम्पटिंग मीन्स होता है लुभावना या मनमोहक, दैन मीन्स की अपेक्षा, द रूल मीन्स नियम, फॉर मीन्स के लिए, पार्टिसिपल्स मीन्स होता है पार्टिसिपल जो पूछा जाना था, जो ग्रामर का पार्ट यहाँ है, कह रहा है कि पार्टिसिपल के नियम से ज़्यादा लुभावना या मनमोहक ये सारी चीज़ें थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मुझे अवरोध करने की मेरे पास शक्ति थी, या रिसिस्ट मीन्स होता है अवरोध करना या विरोध कर देना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से मैं स्कूल की तरफ गया।